नमस्कार, माई सेल्फ सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। नाइन्थ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैथ सब्जेक्ट और सेवन चैप्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम आपको दी थी। इसके बाद थियोरम है, थियोरम क्या है वो एट स्टैंडर्ड में आ गया है, फिर भी मैं आपको कुछ उसके बारे में बताऊँ। यानी इसमें स्टेटमेंट दिया होता है, वो स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद उसके अंदर से गिवन टू प्रूव फिगर प्रूफ लिखना होगा। ये थोड़ा थियोरम तीन पार्ट में है, तीन पार्ट में है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा स्टेप्स लिख के बताया है, आप ये देख सकते हो। तो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में क्या दिया होगा वो पहले समझते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऐसा दिया होगा, यानी टू ट्राइंगल हमने क्या लिया, ए बी सी और डी एफ, टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। दूसरा क्या दिया है, इफ टू एंगल्स एंड द इनसाइड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू टू ट्राइंगल्स एंड इंक्लूड साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या है, जो लिखा है कि इफ टू ट्राइंगल्स एंड द इंक्लूड साइड्स वन ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स है, इसमें एक ट्राइंगल के साइड के बारे में बताया है। तो हमने इसमें साइड क्या है, देखो ये रहा बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी और डी और इंक्लूड एंगल्स, तो इसके अंदर एंगल कौन से लिए, देखो बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और दूसरे एंगल सी इज इक्वल टू एफ, सी और एफ सही है, बराबर। ये होगा तो आपको क्या करना है, साइड्स एंड अदर ट्राइंगल्स, इसको आपको अदर ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट बताना है, ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया होगा एग्जाम में। ऐसा नहीं लिखा होगा कि थियरम 7.1 प्रूव करो, ऐसा नहीं लिखा होगा। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल्स प्रूव दैट, थोड़ा आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको ये सब लिखना पड़ेगा, बराबर। इसका मतलब एंगल साइड एंगल वो आपको प्रूव करना है, वे भी मैंने अगले वीडियो में बताया था, देखते हैं चलो क्या है। चलो गिवन क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ के अंदर एंगल बी इज इक्वल टू ई, बी और ई सेम है, एंगल सी इज इक्वल टू एफ, सी और एफ सेम है, ओके। और क्या है, बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी और ई एफ सही है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, चलो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ये आपने को मालूम है कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस की साइन है ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ये जो दो ट्राइंगल है वो आपको कॉन्ग्रुएंस बताने हैं, ओके। चलो इसके अंदर प्रूफ, हियर ये जो प्रूफ है इसके अंदर तीन तीन केस है, बराबर। तो दिस हियर दिस थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टू लेंथ, ओके, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या, एक ए बी और डी सेम हो सकते हैं, दूसरा ए बी ग्रेटर देन डी ई हो सकता है, और ए बी लेस देन डी ई, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, चलो मेरे पास ये दो डस्टर है, बराबर, दो ये दो डस्टर जो है इसमें मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, एक दोनों सेम है, एक बड़ा है और एक छोटा है, और ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके फ्रेंड्स में भी दो फ्रेंड्स हैं तो
उसका वेट के बारे में विदाउट वेट, वेट किए बिना आपको बोलना होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये जो मेरा फ्रेंड राम है, मेरा फ्रेंड राम, वो मुझसे वजन में वेट में ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी लगता है कि हम सेम भी हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी लग सकता है वो कम भी हो सकता है। ये थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ हियर, अरे इसलिए हमने यहाँ लिखा है ए बी और डी सेम हो सकता है, ए बी बड़ा हो सकता है और ए बी छोटा हो सकता है। तीनों केस के बारे में आज ये थियरम 7.1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं केस, ये ए बी और डी सेम है, ए बी और डी, ये और ये, यानी ये दोनों सेम है, ये दोनों ए बी और डी सेम है, ये दोनों बराबर। तो इन्हें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल के बारे में, ए बी इज इक्वल टू डी ई, दोनों सेम है। दूसरा क्या है, ये दिया हुआ देखो, एंगल बी इज इक्वल टू ई, तो बी इज इक्वल टू ई ले लिया है। तीसरा इसमें दिया है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ ले लिया है, यानी ये सब दिया हुआ है बराबर। इसलिए हम बोल सकते हैं देखो एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, ये देखो ये साइड हो गया, ए बी एंगल हो गया, साइड साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, अरे ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, और ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हो सकता है बराबर। यानी ये केस नंबर वन फिनिश हो गया, ओके ये आपको मालूम पड़ गया, बहुत ही ईजी है बराबर। आपको गिवन में से यूज करना है, लिखना ऐसे ही है बराबर। ये फाइव मार्क्स में पूछ सकते हैं, सपोज तीन के तीन केस नहीं पूछे तो दो केस पूछ सकते हैं बराबर, कोई भी दो, वन टू या टू थ्री या वन थ्री, कोई भी केस में पूछ सकते हैं बराबर। आगे देखते हैं केस टू, इसमें क्या है, यानी ये ए बी ग्रेटर देन डी, ए बी डी से बड़ा है बराबर। इसलिए हमने क्या किया है, पहले फिगर ड्रॉ की है, देखो इसमें एक पॉइंट, हाँ ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट, ये पॉइंट पी ऐसा लिया है क्योंकि ये बड़ा है ए बी, तो हमको इक्वल करने के लिए क्या किया है, पी बी इज इक्वल टू डी, यानी ये और ये सेम है क्योंकि ये बड़ा है, ऐसा हमने सपोज किया है। वो सपोजिशन रॉन्ग आएगा, पर पहले हमने क्या लिया है, ए ये बड़ा है इसलिए हमने पी पॉइंट ऐसा लिया ए बी के ऊपर, जैसे पी बी और बी सेम हो जाए, इसलिए हमने लिखा है फोर ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, यानी पी बी सी और डी ई एफ के बारे में, पी बी इज इक्वल टू डी ई ये लिया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों सेम बताए हैं, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी और ई एफ सेम है, ओके ओके। इसमें ये दोनों सेम है इसलिए क्योंकि बी इज इक्वल टू ई वो तो गिवन में दिया है, और बी सी और ई एफ दोनों सेम है, ओके तो इसलिए हम बोल सकते हैं देखो साइड एंगल साइड, इसमें देखो ये साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड, बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ओके हो सकता है। अब उसके आगे देखते हैं एंगल पी सी बी कहाँ है, पी सी बी यानी ये एंगल की बात कर रही है, पी सी बी, पी सी बी इक्वल टू डी एफ ई, डी एफ ई ये दोनों सेम है, क्यों, सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब दूसरा क्या है, ए सी बी यानी ये पूरा ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई, वो तो इसमें दिया हुआ है बराबर,
दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि दोनों में DEF आता है, ओके DEF, इसलिए ACB इज इक्वल टू PCB, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हो, जो हमने आगे किया था कि 180-180 आंसर दोनों सेम आया तो लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड साइड को कंपेयर किया था, इसमें भी ऐसा है। इसका मतलब क्या है, पी कोइंसाइड विथ ए, बराबर। इसमें देखो CB सेम है, डिजॉइंट क्या पड़ता है ए एंड पी, इसका मतलब पी और ए डिजॉइंट नहीं है, दोनों एक ही है, इसलिए लिखा है पी इज इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी और डी सेम है, बराबर, वो दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABC congruent DEF by साइड एंगल साइड, देखो उसमें भी लिखा है ए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ओके। ये केस टू हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ थियरम 7.1, लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3 जो लास्ट बचा था वो AB लेस देन DE, AB DE से छोटा है, बराबर। सपोज AB लेस देन DE, तो दो ट्राइंगल ले लिया जिसमें AB इससे छोटा है, इसका मतलब DE बड़ा है, तो हमने उसके जैसा ही जो बड़ा है उसको सेम करने के लिए कोई पॉइंट ले लो, इसलिए हमने क्या किया, वी टेक पॉइंट M ऑन DE सच दैट AB इज इक्वल टू ME, बराबर। ये आपको यहाँ लिखना होगा, मैंने नहीं लिखा है पर मैंने आपको बता दिया। अब देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MEF के लिए AB इज इक्वल टू DE, ये दोनों सेम है, क्यों, कि हमने ली M पॉइंट ही ऐसा लिया है जिसे दोनों सेम हो जाए। B इज इक्वल टू E, दोनों सेम है, एंगल वो तो दिया हुआ है या कंडीशन स्टार्टिंग में। दूसरा BC इज इक्वल टू EF, वो भी कंडीशन दी हुई है, ओके। तो हम क्या बता सकते हैं, साइड एंगल साइड, ओके, बता सकते हैं ABC congruent MEF, यानी ये ABC और MEF दोनों congruent है, ऐसे साइड एंगल साइड से। दूसरी बात, यहाँ ACB, देखो ACB यानी ये ट्राइंगल की बात करते हैं, ACB और MFE यानी ये ट्राइंगल दोनों सेम हो गए, क्यू CP CT congruent pairs of congruent ट्राइंगल, बराबर, यानी ये दोनों congruent है, बराबर, इसलिए congruent pairs of congruent ट्राइंगल। एक ये मजाक में पूछा तो एक लड़के ने क्या बोला मालूम है, CP CT का पूछा कि CP CT क्या है, तो उसको नहीं आता था, ऐसा बोल दिया करिश्मा पसंद है करिश्मा तारी, ऐसा बोल दिया था, बराबर। ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है, मजाक है, बराबर। पर इसमें क्या है, congruent pairs of congruent triangles, बराबर, तो ये दोनों सेम होता है, ACB ये और MFE ये दोनों सेम है, बराबर। बट इसमें क्या दिया है, ACB और DFE दोनों सेम है, वो दिया हुआ है। अब इसमें भी देखो ये ACB पार्ट सेम हुआ, बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड आप कंपेयर कर सकते हो, एंगल MFE इज इक्वल टू DFE दोनों सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, M कंसीडर विद D, यानी देखो FE सेम है तो M और D दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। और इसमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DE, तो साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि ABC और DEF दोनों congruent है।
बराबर। इस तरीके से ये थ्योरम 7.1 के तीनों पार्ट केस 1, केस 2, केस 3 मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इजी है बराबर। तो ये आपको एक बार, दो बार, तीन बार मेरा वीडियो देखना और लिखना भी तो ही आपको आएगा, वरना आएगा नहीं बराबर। इसलिए ये वीडियो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, इससे हम सबको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और पॉजिटिव ऊर्जा से आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा बराबर। ओके, ये कर सकते हो बराबर। ये आपको इसके लिए रखा है कि आप ये लिख सको और समझ सको, इसलिए मैंने आपको ये रखा है। ओके, नमस्कार, बाय, सुहाग।